और रामनगर में कॉबे टाइगर रिजर्व की ढिकाला में खौफ का पर्याय बने बाघ को आखिरकार पकड़ लिया गया है। ये बाघ साल भर के भीतर दो वन कर्मियों की जान भी ले चुका है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में दहशत का सबब बन चुका बाघ आखिरकार वन विभाग के शिकंजे में फंस ही गया। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की टीम ने बाघ को ट्रैंकुलाइज कर लिया, जिसके बाद बाघ को वन विभाग ने पिंजरे में कैद कर लिया। कॉर्बेट नेशनल पार्क में आतंक का पर्याय बना हुआ बाघ आखिर पकड़ा गया है। हमारे साथ डायरेक्टर हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के, बात करेंगे उनसे। सर, ये बाघ काफ़ी खतरा बना हुआ था आपके जो रक्षक हैं कॉर्बेट पार्क के, उनके लिए भी और पर्यटकों के लिए भी। इसको पकड़ने के लिए कैसी कवायद की गई और किस तरह से इसको पकड़ा गया और इसको क्या परेशानी थी जो ये लोगों पर हमला कर रहा था, उनको जान से मार रहा था? कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ढिकाला जोन में ये जो मेल टाइगर है वो उसकी टेरिटरी थी और वहाँ पे पिछले नवंबर में और इस साल जुलाई में दो हमारे स्टाफ जो हैं उनकी इसके साथ एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। उसके बाद चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन लेवल से इसको ट्रैंकुलाइज करने की परमिशन मिली, फिर उसके बाद NTCA के तरफ से कुछ गाइडलाइन जारी हुई थी, फिर उसके क्लैरिफिकेशन के बाद फाइनली इसको कल ट्रैंकुलाइज किया गया है। वन विभाग की माने तो ये बाघ अब शिकार कर पाने में सक्षम नहीं था, जिस वजह से वो इंसानों पर हमला कर रहा था। कॉर्बेट पार्क ने अब इसे जू में भेजने का फैसला लिया है। टाइगर को एग्जामिन किया गया, उसमें मेनली अभी ये बात आई है कि इसके जो दो कनाइंस हैं ऊपर वो दोनों टूटे हुए हैं और इंसिजर्स भी मोस्टली वो जो है वियर ऑफ हो चुके हैं। इसके अलावा जो डॉक्टर्स और जो बायोलॉजिस्ट सजेस्ट कर रहे हैं कि इसकी एज जो है वो 10 साल से ऊपर है। ढिकाला इलाके में पिछले कई महीने से इस बाघ का आतंक था। जंगल में गश्त पर निकले दो वन कर्मियों की मौत इसी बाघ के हमले से हुई थी। ढिकाला जोन में बड़ी संख्या में सैलानी जंगल सफारी करते हैं। जाहिर है सैलानियों की सुरक्षा को लेकर वन विभाग के सामने बड़ी चुनौती थी, लेकिन अब ये आदमखोर बाघ कॉर्बेट पार्क के पिंजरे में कैद हो गया है। कॉर्बेट पार्क प्रशासन का कहना है कि अब सैलानी बगैर किसी डर के ढिकाला जोन में सफारी का आनंद ले सकते हैं। रामनगर से दानिश खान की रिपोर्ट, ABP गंगा। सबसे पहले खबरें पाने के लिए ABP गंगा को YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पर लाइक कीजिए। Facebook पेज है www.facebook.com/ABP गंगा। ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है twitter.com/ABP गंगा।